वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आज की हम वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम इस तरह वर्ड की साइट पे पेज के बॉटम पे इस तरह का स्टिकी आइकन वाला मेन्यू हम लोग अपनी वर्ड की साइट पर डिस्प्ले करवा सकते हैं जो कि बिल्कुल जब भी आपकी वेबसाइट मोबाइल व्यू पर ओपन होगी तो ये मेन्यू सिर्फ उसी टाइम आपके मोबाइल व्यू पर इस तरह का बॉटम पे इस तरह का स्टिकी मेन्यू आपको डिस्प्ले होगा जैसा कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं कि ये हमने किस तरह से किया है और ये सारे के सारा प्रोसीजर विदाउट एनी यूजिंग प्लग इंस हैं जितने कम एक प्लस पॉइंट आपको बताता चलूँ पॉजिटिव पॉइंट एक हैंड जितने कम प्लगइन्स आपकी वेबसाइट पर होंगे उतनी ही आपकी वेबसाइट की प्रोसेसिंग और पेज लोडिंग उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी जितने ज़्यादा प्लग यूज़ करेंगे आपकी वेबसाइट का रिस्पॉन्स टाइम कम होता जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम देखते हैं कि हमने ये अपना बॉटम स्टिकी वाला मेन्यू किस तरह से जनरेट किया है सबसे पहले आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे वर्ड के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने क्या करना है कि आपको मैं ये एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डॉट जेसन की फ़ाइल प्रोवाइड कर दूंगा आपने ये फ़ाइल जस्ट वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है मोबाइल आइकन फोटो मेन्यू डिफ़ॉल्ट डॉट जेसन की ये फाइल होगी आपने वहाँ से ये डाउनलोड कर लिया है फाइल डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है थीम बिल्डर पे थीम बिल्डर कहाँ पर होता है नहीं अपियरेंस में नहीं होता हम जाएंगे इसके लिए टेम्पलेट्स में टेम्पलेट्स के अंदर थीम बिल्डर थीम बिल्डर पे आपने क्लिक करना है थीम बिल्डर पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह का पेज आपके पास ओपन होगा अब आपने क्योंकि ये मेन्यू बॉटम पे दिखाना है फ़ोटो वाले सेक्शन पे तो आपने फोटो पे क्लिक करना है यहाँ पर देखिए बिल्कुल एम स्क्रीन है एड न्यू पर क्लिक करेंगे हम एक नया एक थीम बिल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं ओनली फॉर फोटो तो आपने एड न्यू पर क्लिक करना है एड न्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास अच्छा इसको यूज़ करने के लिए आपको एलिमेंटर की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपके पास एलिमेंटर का प्रो वर्जन है तो वेल एंड गुड अगर नहीं है तो ये फ्री वर्जन पे भी काम करेगा अगर आपको एलिमेंटर का प्रो वर्जन इन रीजनेबल प्राइस चाहिए हुआ तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे अपलोड पे फाइल जाएंगे अपलोड पे क्लिक करेंगे उसके बाद वो जो मैंने आपको फ़ाइल बताई थी वो जो आपने डाउनलोड करके रखी होगी उस फाइल को आपने यहाँ से अपलोड करना होगा सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे मैं इसका पाथ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंप्लीट एज अ पाथ कॉपी किया पाथ इसका यहाँ पे फाइल पड़ी है यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं ये फाइल आ गई इसको क्लिक किया ओपन किया और कंटिन्यू कर देंगे हम यहाँ से इसको कंटिन्यू होने के बाद आपकी ये फ़ाइल जो है आपकी लाइब्रेरी में आ जाएगी जैसे कि अभी देख सकते हैं अभी ये, ये लोड होगी है इसको इसके बाद क्या करेंगे इंसर्ट पे हमने क्लिक कर देना है ये इसको हमने इंसर्ट करना है इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये यख्त मल्टीपल कंडीशन पूछेगा जिस तरह से आपके पास ये अ होल स्क्रीन पर बॉटम पे आ जाएगी अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो का वर्जन नहीं है तो उसका भी मेथड आपको बताता दो तो, पहले हम ये इसको देख लेते हैं हम यहाँ से अगर किसी का कोई आइकन वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो हम इजीली उसकी आइकन लाइब्रेरी के अंदर भी मुख्तफ बहुत सारे आइकन वगैरह पड़े हैं हम उनको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे आप अपना नंबर दे सकते हैं टाइटल में अपना आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं और यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं व्हाट्सएप की एपीआई के थ्रू तो वो किस तरह से होगा वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा बहुत इजी मेथड है जो जो आइकन आपने चेंज करने हैं ई मेल को भी इंटीग्रेट बहुत ईजीली हो जाता है इसमें आपने आइकन जस्ट चेंज करने हैं और अपना ई मेल एड्रेस यहाँ पर दे देना है और जैसे विजिट अगर आप अपनी लोकेशन देना चाहते हैं गूगल मैप्स के थ्रू वो भी दे सकते हैं और अपॉइंटमेंट्स की जगह आप कोई और आइकन अपलोड करना चाहें तो वो भी आप इजीली और वगैरह कर सकते हैं चलें हम एक आइकन चेंज कर देखते हैं आइकन लाइब्रेरी में चलते हैं मैं यहाँ पे एक बल्कि यहाँ पे चलें व्हाट्सएप का कर लेते हैं जी यहाँ पे हम इसकी जगह व्हाट्सएप का चेंज करते हैं व्हाट्सएप लिखते हैं व्हाट्सएप हाँ व्हाट्सएप आइकन अवेलेबल है हमारे पास इसको इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर व्हाट्सअप का हमारे पास आइकन आ जाएगा और पब्लिश करते हैं अब आपसे ये कंडीशन पूछेगा कि आपने पब्लिश कहाँ पे करवाने है एंटायर साइट आपने ये सारा एंटायर साइट पे करना है तभी यह स्टिकी मेन्यू आपकी तमाम वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होगी हो गया अब हम इसको ओपन करके देखते हैं वेबसाइट का नेम लिखते हैं जिस पर हमने ये इम्प्लीमेंट किया है ये देखें जी इस तरह से आ गया और जब आप अपनी मोबाइल की व्यू क्योंकि अब बेस्ट ऑफ व्यू है जब इसको आप अपने मोबाइल व्यू पर ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल आपके एग्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर ये देखें इस तरह से मोबाइल व्यू हम करते हैं इसको और ये आपके मोबाइल व्यू पर इस तरह से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर डिस्प्ले हो जाएगा साइज के अकॉर्डिंगली अपने आप को ऑटो एडजस्ट करता रहेगा ठीक हो गया अब चलते हैं मैं आपको बताता हूँ अगर आपके पास एलिमेंटर का प्रो वर्जन नहीं है तो आप सिंपल एलिमेंटर के फ्री वर्जन में किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं आपने सिंपली अपने पेज पे जाना है जिस पेज पर पे किया वहाँ पे प्लस के साइन के साथ फोल्डर के ऑप्शन बनी होती है इस पर क्लिक करेंगे ऐड अ टेम्पलेट पे आपने ऑलरेडी वो डी फाइल अपलोड की भी होगी यहाँ पे जाना है और अपलोड करेंगे अगर वो नहीं हुई भी तो उसको अपलोड करेंगे अपलोड करने के बाद इसको यहाँ पे शो हो जाएगी और इंसर्ट करेंगे तो आप एज़ इट इज़ वज फाइल यहाँ पे स्टिकी मेन्यू आपको शो हो जाएगा ये फ्री वर्जन में इस तरह से हो इम्प्लीमेंट होगा प्रो वर्ज़न का भी मैंने आपको बता दिया और फ्री वर्जन का भी मैंने आपको बता दिया उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नेक्स्ट ट्रिक के साथ